हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पाइस बॉक्स एंड कुकिंग। इस वीडियो में हम बना रहे हैं आटे से नान खटाई। नान खटाई मोस्टली मैदा से बनाई जाती है, लेकिन नान खटाई का थोड़ा हेल्दियर वर्जन अगर बनाना है तो हम मैदा की जगह आटे का यूज़ कर सकते हैं। तो कैसे बनाते हैं ये इस वीडियो में देखते हैं। नान खटाई बनाने के लिए हमें जो इन्ग्रीडियंट्स चाहिए वो है आटा 1 कप, बेसन 1/3 कप, बेकिंग पाउडर 1/4 चम्मच, और अगर बेकिंग सोडा यूज़ कर रहे हैं तो लगभग 1 चुटकी। इसके अलावा हमें चाहिए घी 1/2 कप और पिसी हुई चीनी चाहिए 3/4 कप। चीनी का रेशियो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से और अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा हमें स्प्लिट बादाम चाहिए गार्निशिंग के लिए, और अगर बादाम की जगह कोई और ड्राई फ्रूट यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक मिक्सिंग बोल में घी और चीनी का एक मिक्सचर बना लेंगे, थोड़ा फ्लफ़ी करेंगे उसे। हम इस तरह से एग बीटर से या फोर्क से बीट कर लेंगे अच्छी तरह से, जिससे कि मिक्सचर थोड़ा एयरी हो जाए और जो आटे की नान खटाई बनेंगी वो फूली फूली बनेंगी। यहाँ पर चीनी का पाउडर आप बना सकते हैं और उसे यूज़ कर सकते हैं, और अगर बहुत ही छोटी पिसी हुई चीनी है तो उसे बिना पाउडर किए भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये मिक्सर अच्छी तरह से बीट कर लिया है। अब देखें ये काफ़ी फ्लफ़ी हो गया है मिक्सर। इसे हम एक तरफ उठा करके रख देंगे और हम बाकी तैयारियां कर लेते हैं आटे की नान खटाई के लिए। अब जो हमारे पास ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, आटा, बेसन और बेकिंग पाउडर, इन्हें हम एक बोल में मिक्स कर लेंगे। हमें इसे छानना ज़रूरी है, अगर हम नहीं छानेंगे तो इसमें गांठें पड़ने लगती हैं। तो इसको एक स्टील की जाली से या किसी भी जाली से इस तरह से छान लेना ज़रूरी है। यहाँ पर इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को इस तरह से छान लिया है। अब जो हमने घी और शुगर पाउडर का मिक्सचर बनाकर तैयार किया है उसमें हम आटे को थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। हमें एक सॉफ्ट आटा गूंथ लेना है इसका, एक ही साथ सारा आटा नहीं डालना है। हम इसे धीरे धीरे करके मिक्स करेंगे और इसका हम एक सॉफ्ट डो बना करके तैयार कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि घी के इस रेशियो के साथ में आटा थोड़ा सा टाइट रहेगा तो उसमें 1 या 2 चम्मच दूध डाल सकते हैं और हमें सॉफ्ट आटा बना लेना है। आटा अब तैयार हो गया है, इसे हम ढक करके एक तरफ रख देंगे। इस बीच में हम अपने ओवन को प्रीहीट कर लेंगे, या फिर अगर आप गैस पर बना रहे हैं तो हम इसे गैस पर एक ओवन तैयार कर लेते हैं। गैस पर हम एक भारी तली की कढ़ाई में 1 कप नमक लेते हैं और कढ़ाई को हम ढक करके 15 मिनट के लिए लो फ्लेम्स पर गर्म होने के लिए रख देंगे। इसे हमें अच्छी तरह से ढक करके रखना है ताकि हीट बाहर ना निकले और ये परफेक्ट ओवन तैयार हो जाता है। और 15 मिनट की प्री हीटिंग के बाद हम इसमें बेकिंग कर सकते हैं। ये जो नमक हम बेकिंग में यूज़ कर रहे हैं, इस नमक को हम बार बार बेकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिर से अगर कुछ बनाना है, गैस पर बेक करना है, तो उसमें हम इसी नमक को यूज़ कर सकते हैं। अब जो हमने आटे की नान खटाई के लिए आटा गूंथ कर रखा है इसे हम छोटे छोटे बोल्स में डिवाइड कर लेंगे। इसके साइज़ को कंसिस्टेंट रखने के लिए आप कोई मेजर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक स्पून से छोटे छोटे पेड़े बना लिए हैं, और चाहें तो आप हाथ से छोटे छोटे पेड़े बना करके इसे इस तरह से रोल कर लें बहुत हल्के प्रेशर से। इसमें ब्रेक ना हो, इसमें कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए। इसे अच्छी तरह से हम सॉफ्टली रोल कर लेंगे। रोल करते टाइम ही एक एक पेड़े के ऊपर हम इस तरह से हाफ स्लाइस्ड बादाम लगाते जाते हैं। ये ऑप्शनल है, बादाम या इसकी जगह कोई और भी ड्राई फ्रूट आप यूज़ कर सकते हैं, और अगर नहीं करना चाहते हैं तो बिना ड्राई फ्रूट के भी आप नान खटाई बना सकते हैं। तो इस तरह से हर एक पेड़े के ऊपर हम आधा आधा बादाम स्टिक करते जाएंगे। अब ये नान खटाई बिल्कुल तैयार है अवन में जाने के लिए।
इसके नीचे हमें एक बेस रखना बहुत ज़रूरी है। हम इसे डायरेक्ट नमक के ऊपर नहीं रख सकते हैं प्लेट को, तो इसके नीचे एक कटोरी या कोई भी बेस आप इसमें लगा दें जो इस बर्तन में फिट हो जाए। इसके ऊपर हम एक प्लेट में नान खटाई रख देते हैं और अब इसे एक अच्छी बड़ी प्लेट से ढक देंगे जिससे कि हीट बिल्कुल भी बाहर ना निकले और नान खटाई अच्छी तरह से बेक हो जाए। बेक करते टाइम फ्लेम्स हम एकदम लो रखेंगे और इसे 10 मिनट के लिए हम बेक होने के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद हम इसे चेक कर लेते हैं। बेकिंग का टाइम थोड़ा वेरी कर सकता है, तो इसलिए 10 मिनट के बाद आप इसको चेक करते रहें हर एक एक मिनट में। यहाँ पर नान खटाई बनाने के लिए 12 से 13 मिनट लगे हैं और 12 से 13 मिनट के बाद में ये गोल्डन कलर की नान खटाई बेक होकर के बिल्कुल तैयार है। इसे हम एक तरफ ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसी तरह से हम बैचेस में बाकी के आटे की नान खटाई भी तैयार कर लेंगे। अब ये गोल्डन नान खटाई बिल्कुल तैयार है। इसे आप ठंडा होने पर एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो ये है आटे से नान खटाई बनाने की रेसिपी, जिसे आप चाहें तो ओवन में और चाहें तो बिना ओवन के गैस पर भी बना करके तैयार कर सकते हैं। आई होप यू लाइक इट। प्लीज़ लीव अ थम्स अप, शेयर दिस रेसिपी एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़, और बेल आइकन पर प्रेस करें जिससे कि आपको इमीडिएट नोटिफिकेशंस मिल जाएं। थैंक्स अ लॉट।